आप आक्रांता नहीं बोल सकते, आप आक्रांता नहीं बोल सकते, आप आक्रांता नहीं बोल सकते। क्या बोले? एक सेकंड, क्या बोले? जैसा कि मिश्रा जी ने कहा कि क्या उसे कहें, क्या उसे, क्या बाबर को महामहिम कहें, बाबर को क्या कहें, एक देश से दूसरे देश में जाकर के आक्रमण करके, मिश्रा साहब, फजिल साहब, फजिल साहब, फजिल साहब सवाल सुनेगा, आक्रमण किसी दूसरे देश पे करके जाकर के वहां पर कब्जा करना या रहना या जो भी कुछ करे, क्या उसे आप सही मानते हैं? उसकी वकालत क्यों आप कर रहे हैं? क्या फजील अहमद है इसलिए? नहीं नहीं, आप क्या बाबर पे नहीं बोलोगे? न्याय की बात करते हैं। आप बाबर पे नहीं बोलोगे? आप क्या बाबर पे नहीं बोलोगे? न्याय की बात करते हैं। आप बाबर पे नहीं बोलोगे? बाबर बाबर को महामहिम बोलिए। आप बिल्कुल महामहिम 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 बोल रहे हो। आप बाबर बाबर को महामहिम बोलिए। आप बिल्कुल महामहिम 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 बोल रहे हो। आप भाई रुक जाइए, शांति करिए, आप हटना चाहिए। एक सेकंड, हम कटोरा दे देंगे आपको। एक मिश्रा जी, हमने पहले भी दया किया था। एक मिश्रा जी, हम कटोरा दे देंगे आपको। एक मिश्रा जी, पहले भी दया किया था। एक मिश्रा जी, नहीं है। कई खास मेहमान इस वक्त जुड़ चुके हैं, उनका तारुफ आपसे कराते हैं। एक मिश्रा जी, राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर, जो कि बताएंगे कि आखिर इस मामले को लेकर के इतनी ज्यादा राजनीति क्यों हुई, उसका परिपेक्ष क्या कुछ रहा। स्वागत है आपका भी साथ में। कमेंट है आपका एक मिश्रा जी, इतनी राजनीति इस पर हुई, इस पर सरकारें बनी, इस पर वोट लिए गए, इस पर वोट कटे भी, मगर आपको लगता है कि नवंबर महीने के बाद में, यानी कि नवंबर में माना ऐसा जा रहा है कि फैसला आ जाएगा उनके रिटायरमेंट से पहले चीफ जस्टिस के, इस पर राजनीति खत्म हो जाएगी हमेशा के लिए? संकेत ऐसा लग रहा है। मैं आपको बता रहा हूँ, जिस हिसाब से कोर्ट एक्टिव है और जिस हिसाब से कोर्ट ने अभी पास्ट में अपने क्रियाएं की हैं, सारे काम किए हैं बिना कोई डील देते हुए, मुझे लगता है अब की बार फैसला आर या पार का होगा। फैसला आर या पार का होगा, उसके बाद भी राजनीति खत्म नहीं होगी, एक दूसरी नए तरीके की राजनीति शुरू हो जाएगी। फैसला आर या पार का होगा, उसके बाद भी राजनीति खत्म नहीं होगी, एक दूसरी नए तरीके की राजनीति शुरू हो जाएगी। जिस पक्ष के फेवर में जाएगा वो चलिए खुश है, जिसके फेवर में नहीं जाएगा वो कहीं ना कहीं विरोध करते रहेंगे। कुछ पार्टियां ऐसी हैं उनके फेवर में आएगी, तो राजनीति करने का तरीका बदल जाएगा और मुझे लगता है कहीं और गर्म राजनीति ना हो जाए। इसका भी एक उदाहरण है, जैसे कश्मीर से धारा 370 हटी तो क्या राजनीति खत्म हो गई? नहीं खत्म हो गई। एक धड़ा ऐसा है जो उसी के पीछे लगा हुआ है कि ये सही है कि ये गलत है, ऐसे है वैसे है। और कहीं ऐसा ये भी हो सकता है, देखिए है क्या, इंटरनेशनल लेवल पे भी, जैसे पाकिस्तान की फटी में टांग अड़ाने की आदत है, उधर भी इधर भी, जी ये हो गया वो हो गया। मैं समझता हूँ एक बहुत बड़ा ये मैटर सॉल्व जरूर होगा, लेकिन उसके प्रतिक्रिया में एक नई तरीके की राजनीति और शुरू होगी, एक नई नए प्रकार की राजनीति शुरू होगी। मगर एक मिश्रा जी, राजनीति जाहिर तौर पर इस पर हुई, खूब हुई, आज भी हुई, कल भी होगी, जैसा कि आप कह रहे हैं। अब ये जो दीप उत्सव की बात कही जा रही है दिवाली के दिन में, हालांकि वहां पर धारा 144 लगा दी गई है सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से, मगर क्या अभी से उस पर ऐसा माना जा रहा है कि एक माहौल तैयार करने की कोशिश है दीप उत्सव के लिए, अगर बात कही जा रही तो क्या उसमें कोई गलती है, गलत है? जाहिर तौर पर दिवाली है और अयोध्या से ज्यादा जगमग करने वाली स्थिति और कौन सी हो सकती है, खासतौर पर जो रामलला दीप उत्सव में कोई प्रॉब्लम नहीं है। जब्बार, देखिए क्या है कि ये गवर्नमेंट का एक प्रिकॉशन वाला एक्शन है, धारा 144 लगाना, फोर्सेज वगैरह भेजना, ऐसी आशंका, इसके लिए तो मैं अप्रिशिएट करूंगा गवर्नमेंट को कि आपको जब कहीं पे भी आशंका लगे कि कहीं पे भी कुछ हो सकता है, माहौल ऐसा गड़बड़ हो सकता है, तो उसके लिए प्रिकॉशन के लिए कोई चीज करना, लॉ एंड ऑर्डर बना रहे, शांति बना रहे, सब कुछ शांति के साथ हो, तो वो कोई गलत चीज नहीं है, तो ये कंटिन्यू होना चाहिए। आप आक्रांता नहीं बोल सकते, आप आक्रांता नहीं बोल सकते, आप आक्रांता नहीं बोल सकते। क्या बोले? एक सेकंड, क्या बोले? महामहिम बोले, हम गर्व से कहते हैं महामहिम बोले, इसलिए कि 800 साल से सेवा किया है उनके खानदान के लोगों ने, दोनों पीढ़ियां दफे नहीं है, पे लूट लूट के लूटने वाली सेवा की है। मुझे लगता है कि हम लोग चर्चा से भटक रहे हैं। अरे उसको सेवा करना था तो अपने देश की सेवा की, यही देश है उसका, यही देश है, यही देश है बाबर का। पाकिस्तान में गरीब लोग नहीं थे, सेवा नहीं कर सकता था वहां पे? अरे यही देश है, यहाँ क्यों आया? यही दफन है बाबर। नहीं नहीं, क्यों उज्बेकिस्तान जहाँ बुला के लाए बाबर, जहाँ पैदा हुआ था वहाँ पे भी वो लुटेरा था।
उसके घर वालों ने उसको मार के भगा दिया था, वहां पे भी वो लुटेरा था। मगर फजील साहब मेरा एक सीधा सा सवाल है आपसे, सेवा करना नहीं है क्या? दूसरे के देश में जाके सेवा कर रहे हैं, जैसा कि एक मिश्रा जी ने कहा कि क्या उसे कहें, क्या बाबर को महामहिम कहें, बाबर को क्या कहें, एक देश से दूसरे देश में जाकर के आक्रमण करके। एक मिश्रा साहब, फजील साहब सवाल सुनेगा, आक्रमण किसी दूसरे देश पे करके जाकर के वहां पर कब्जा करना या रहना या जो भी कुछ करे, क्या उसे आप सही मानते हैं? उसकी वकालत क्यों आप कर रहे हैं? क्या फजील अहमद है इसलिए? नहीं नहीं, बिल्कुल हम फजील अहमद है, इसमें कोई शक नहीं है। अब सुन लीजिए मेरी बात, वकालत कर अलाउद्दीन खिलजी, नहीं आप वकालत क्यों कर रहे हो? आप यहाँ भी राजनीति कर रहे हो? अगर बाबर को आक्रांता ना बोले तो आप अपने जुबान से बोलिए कि महामहिम बाबर, आज बोलना चाहिए महामहिम महामहिम बाबर बोलते हैं, अलाउद्दीन महामहिम महामहिम बोलेंगे, आप बताइए ना मैं एक मिश्रा जी समझना ये चाहता हूं कि आखिर इस पूरे मामले में सबसे ज्यादा जो दिक्कतें पैदा की गई, किसी एक को या किसी दो को आप सबसे ज्यादा किसे मानते हैं? बाबर के मानने वालों को क्या माना जाएगा? इस देश के मुस्लिम ने, इस देश के हमारे मुस्लिम भाइयों बहनों ने कभी भी बाबर को अपना पूर्वज नहीं माना, हम उसको छोड़ नहीं सकते। फजील साहब, 900 साल से सेवा किया हमने इस देश, मुझे लगता है कि मुस्लिम समुदाय के बहुत ज्यादा लोग आपके इस स्टैंड के साथ में होंगे नहीं, बहुत थोड़े से कोई मतलब नहीं है साथ में होंगे, ठीक है, मुझे लेकिन गलत को गलत बोलेंगे, कौन हमारे साथ है कौन नहीं है हमारा मतलब नहीं है। फजील जो सही है हम अपने इतिहास को कलंकित नहीं होने देंगे, हमारा खूबसूरत इतिहास है। अरे सर, 900 साल हमने सेवा की, इस देश की चर्चा करूंगा, सोने की चिड़िया कहा है तलवार के राज में, पूरे हिंदुस्तान को 70 साल में और इसीलिए सुषमा भर दिया बाबर सर, आपने 70 साल में हुआ है आपने हिंदू से खोल से भर दिया सुषमा का, काला धन आप बात करते हो, टैक्स चोरी आप करते हो, कमीशन आप खाते हो, 40% कमीशन खाने लगे सांसद और विधायक आते हैं, क्या कोई इतिहास क्या होगा इनका? मुगल का खाता अभी तक बाबर चला आ रहा है, लूट के लेके आ गया बाबर चला यही तो बाबर का सारा मुगल सारी हिमालय से और ताज महल किसका है, लाल किला किसका है, और अलाउद्दीन कैसे राजा बना था? अलाउद्दीन खिलजी अपने चाचा को चाकू मार के राजा बना था, आप बाबर को बुला के लाए चाचा की हत्या कर दे अलाउद्दीन बना था, गले काट काट के इतिहास को नहीं छोड़ सकते, घर में कुछ गले काट काट के इतिहास को गौरव करना है और उस इतिहास का अपने इतिहास में हमने इस इतिहास को अपने इतिहास में मुझे लगता है कि आप अपने चाचा की हत्या करके राजा बना तो उस इतिहास को आप खूबसूरत बोल रहे हो। अरे जस्टिस लोया की हत्या आपने करवा दी, क्यों नहीं जांच करवाते उसकी? आप या तो लोया की हत्या या तो इतिहास की बात कर रहे हैं, आज को नहीं बचा पा रहे हैं और बात करते हो आप क्या बाबर पे नहीं बोलोगे, क्या की बात करते हो आप बाबर पे नहीं बोलोगे, आप क्या बाबर पे नहीं बोलोगे, क्या की बात करते हो आप बाबर पे नहीं बोलोगे, लोया पे आ गए हो, जस्टिस लोया पे आ गए हो, सत्ता भारत बाबर का क्या कहेंगे, हो गया कर लो बाबर पे जरा बात कर लीजिए, अरे पहले बाबर पे बात कर लीजिए, बात कर थोड़ी आज आने की कहा गया इस देश को बाबर के नाम में, तो महामहिम बोलिए आप, बिल्कुल महामहिम 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 बोल रहे हो बाबर के नाम में, तो महामहिम बोलिए आप, बिल्कुल महामहिम 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 बोल रहे हो आप, बोल के जाइए बाबर को महामहिम, ऐसे लोग बुरा लगता है चल रहे हो, इन्हीं लोगों को बोल देंगे आपका गलत इतिहास है, आपने इस देश को लूटा है इसलिए आप चल रहे हो बाबर से, बाबर ने लूटा नहीं है इस देश को, ठीक है ठीक है, बुलाया है बाबर ने, मुझे आप दोनों लोगों की आवाज डाउन करानी पड़ेगी, रुके चेतनानंद सरस्वती, ठीक है कोई बात नहीं जब्बार साहब, आपका चैनल है हम उठ कर जा सकते हैं, अरे सर फजील साहब आप बात कैसे कर रहे हैं, फजील साहब आप बात कैसे कर रहे हैं, आप बात कैसे कर रहे हैं, आपको आश्चर्य लगता है, आपको कौन डरा रहा है, फजील साहब आप बातें कैसे करते हो,
बाबर की सरकार थी तो उसने मस्जिद बनवा दी। हमको गर्व है, आप जलते हो बाबर से, आप जलते हो हम लोग की लोकप्रियता से, इनके इंसाफ से, इसलिए आपने बाबर को बुलाया था क्योंकि खिलजी साहब नहीं लग पा रहे थे। हमारे लिए मानने के लिए हजारों लोग पड़े हैं। ठीक है सर, आप लोगों की आवाज नहीं जा रही है, आप दोनों लोगों की सर आवाज नहीं जा रही। मैं दोनों लोगों को जाऊंगा। शिवम त्यागी जी, ये जो फजील साहब ये जो डर की बात कर रहे हैं, फजील साहब ये किस डर की बात है? एक सेकंड, बाबर की सरकार थी, उसने मस्जिद बनवाई। आज जिसकी सरकार है वो जो चाहेगी वो करे। बाबर की सरकार थी, उसने मस्जिद बनवाई। आज जिसकी सरकार है वो जो चाहेगी वो करे। ठीक है, तलवार की नौकरी कर रहे हो, अगर आप तलवार की नौकरी कर रहे हो आपको मंदिर बना देना चाहिए था। जितना मुसलमान चिल्लाए, जितना देश का संविधान चिल्लाए, आप क्यों इसको रोके रखे? 1992 में मस्जिद बन जाए, मंदिर बन जाना चाहिए था। हम तो ये चाहते थे जो सरकार जिसकी आप बांधने में मंदिर क्यों नहीं बना दिए? सरकार जब तोड़ दिए थे, राजा ने विराजमान कर दिए, क्यों चिल्ला रहे? क्यों नहीं दिया? वही फॉर्मूला अप्लाई करो ना। ठीक है सरकार फजील साहब, ठीक है साहब, मुझे नहीं लगता कि फजील साहब किस वजह से बाबर से लेकर के खिलजी या दूसरे लोगों की आज उनको वकालत करने की जरूरत पड़ रही है। अरे अपने चाचा को मार कर रही है, जरूरत पड़ रही है। मुझे नहीं लगता कि फजील साहब किस वजह से बाबर से लेकर के खिलजी या दूसरे लोगों की आज उनको वकालत करने की जरूरत पड़ रही है। अरे अपने चाचा को मार कर रही है, जरूरत पड़ रही है। ये फजील साहब समझे जवाब नहीं लग पाए तो आप ठीक है बोलो। अरे सर आप कैसी बातें कर रहे हैं सर? मैं इस बात की इजाजत नहीं दूंगा। अपने प्लेटफार्म पे हत्या मैं अपने प्लेटफार्म पे फजील साहब अपने अपने शो के जरिए आप लोगों को अपनी राजनीति करने का मौका नहीं दे सकता। एक सेकंड मिश्रा जी, यहाँ पे आप खड़े होने लायक नहीं हो मुगलों के सामने। अब क्या बात कर रहे हैं? नहीं नहीं अपने रुके, ये आप सुनिए सुनिए, ये नहीं मैं बोल रहा हूँ, आप उन्हीं मुगलों की बात कर रहे हो, उन्हीं मुगलों की बात कर रहे हो जो सोने की चिड़िया जहाँ पे थे, भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था। आज क्या कर रहे हो? बना दिया आपने, आप स्विट्जरलैंड में पैसा भर के चले, सारा काला धन गिरा देते हैं आप लोग। जहां को सेवा करनी थी वहां के लिए चोर डकैती करते थे, ये चोर डकैत थे जिनको खाने को नहीं मिलता था, तो ये धनी जैसे। ठीक है ठीक है, मुझे दूसरे लोगों की तरफ भी जाना है। फजील साहब एक छोटा सा मैं रिएक्शन आपसे चाहूंगा। मुगलों का इतिहास पढ़िए सर, एक सेकंड आप दोनों लोगों के लिए मैंने ये बहस नहीं रखी है। मैं आ रहा हूँ, मैं शिवम त्यागी जी आपकी तरफ आ रहा हूँ। फजील साहब का ये डर किस बात को लेकर के, ये डर डर कर करके सर, एक सेकंड काबिज होना चाहते हैं आप, उनकी भाषा को नहीं समझ रहे। एक सेकंड हमारे साथ में अल्पसंख्यक मंत्री, ठीक है मुगल के खून, ठीक है फजील साहब हमारे साथ में उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री एक मिश्रा जी सबकी आवाज बंद कीजिए, सबको स्क्रीन से सबको हटाइए। एक सेकंड बस प्लीज, मोहसिन रजा जी और एक मिश्रा जी प्लीज फॉर गॉड सेक। हमारे साथ में उत्तर प्रदेश सरकार के उत्तर, आप लोगों की आवाज नहीं जा रही है। आप लोग बहस को किस तरफ ले जा रहे हैं?
एक तरफ एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड मुझे लगता है चाइना की बात क्यों नहीं कर रहे, चाइना की बात क्यों नहीं कर रहे, रोज 2 किलोमीटर घुस रहा है, चाइना की तकलीफ नहीं है इनको, घूम रहे हैं छोटा दुश्मन है पाकिस्तान की, समझ नहीं आ रहा आप दोनों के साथ में मैं कैसा सुनूं किस वक्त, फजल साहब प्लीज फॉर गॉड सेक, अरे चलिए हमारे साथ पाकिस्तान पर हम हमला करते हैं, फजल साहब हमें जाने दीजिए, फजल साहब फजल साहब प्लीज एक मिश्रा जी मुझे एक छोटा सा ब्रेक लेना पड़ रहा है, मुझे एक छोटा सा ब्रेक लेना पड़ जाएगा अगर आप लोग ऐसे करें बहस के आखिरी हिस्से में। इस देश में हिंदू अगर कम्युनल होता, हिंदू अगर अभी बहुत देर लेक्चर, बहुत देर लेक्चर लोगों ने, बहुत देर लेक्चर दिया है ना आपने, फजल साहब बहुत देर तक आपने बोल लिया, बहुत देर लेक्चर दिया तो चुप रहिए, बहुत देर लेक्चर दिया चुप रहिए, अभी हमने भाषा को अभी हमने कहा है अभी चुप नहीं हो सकते, अरे आप हमारी बोलना पड़ेगा आपको चुप होना पड़ेगा, क्योंकि ना यहाँ बाबर ना यहाँ बाबर की सत्ता है ना अकबर की सत्ता है, इस्लामिक सभ्यता को परिचय दीजिए, जिसका बखान आप लोग करते हो, लोकतांत्रिक तरीके से बात सुननी पड़ेगी, कानों में दर्द होता है तो कान बंद कर लीजिए, लेकिन सुननी पड़ेगी, भाषा का लोकतंत्र आप हमें सिखाएंगे, भाषा का लोकतंत्र आप हमें सिखाएंगे, आप सिखाएंगे, मैं कहता हूँ आपको, जब 15 मिनट से आप लेक्चर दे रहे थे तो किसी ने रोका नहीं आपको, अब आप सुन लीजिए, अब आप सुन लीजिए मिश्रा जी एक सेकंड, ठीक है, मैं इतना कहना चाहता हूं, हिंदू अगर कम्युनल होता तो 1947 में धर्म के आधार पर देशों का बंटवारा हुआ था, कोई रोकने वाला नहीं था, मुसलमानों को जहां जाना चाहिए था चले जाते, कोई नहीं रोक सकता था, सुन लीजिए जरा, सुन लीजिए, ठीक है, मैं इस चर्चा के बिल्कुल आखिरी हिस्से में हूँ, मेरे पास महज 2 मिनट का वक्त बचा हुआ है, फजील साहब एक सेकंड, कोई और थे अभी तो आपने कहा कि मोहम्मद गौरी और ये सब थे आपके, तब तो जब हम फिर बीच में गांधी जी के साथ आप कैसी बातें कर रहे हो, आप कैसी बातें कर रहे होते हैं, आपके बात बड़े हास्यास्पद लग रहे हैं मुझे, वो अपने हिसाब के हिसाब से दादा परदा में कैसे बता रहे हैं आप, कैसे चलेगा, देखिए मैं बाबा अंबेडकर का एहसान है हिंदुस्तान में, मुझे लगता है इस देश में लोकतांत्रिक तरह से ये देश चलता है, ना ये पाकिस्तान है ना ये सीरिया, अगर आपको लगता है आपके ऊपर अत्याचार हो रहे हैं तो एक बार उधर नजर घुमा लीजिए, आपको पता चला, आप ही ने कहा था, आप ही ने कहा था शुरुआत में गॉड से जा रहा है, आप ही ने कहा था, सबको स्क्रीन से हटा दिया, अरे आप ही ने कहा था, मैं बहुत प्यार के साथ में आज अपने दर्शकों से आज